Reviews. If you haven't already subscribed to our channel, do subscribe to the channel and hit the bell icon ताकि आपको हमारे regular updates मिलते रहें। आपके जो भी questions हैं, queries हैं, वो आप Google form में लिख सकते हैं, जो कि session के साथ attached है, और आपके questions का answer आपको Sunday को मिल जाया करेगा। Sunday को हमारी doubt session classes होंगी। And apart from that, अगर आपको ये PPT चाहिए, तो आप हमारे Telegram channel को join कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का lecture। Now before I start with the lecture, I'll just tell you कि हमारे जो क्रैश कोर्स है उसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो ये हमारा 3 months का फ्री क्रैश कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। 17 मार्च को शुरू हुआ है एंड 20 जून तक चलेगा। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। फाइनली आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको प्रीमियम यहाँ पे बहुत मतलब सारा कवरेज होगा, स्टैटिक का भी कवरेज होगा और साथ ही साथ जो आपका डायनेमिक पोर्शन है दैट इज करंट अफेयर्स उसका भी कवरेज होगा। आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल है यहाँ पे। स्टडी मटेरियल्स नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डार्क रिंग सेशंस होंगे संडेज को एंड सीसेट का कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। डिटेल्स फैकल्टी की डिटेल्स आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं एंड और भी डिटेल शेड्यूल के लिए या रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 मेजर पोर्शंस आते हैं। पहला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है उनका एप्लीकेशन क्या होगा आपके डेली लाइफ में एंड वो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है उसका इफेक्ट क्या है आपके डेली लाइफ में। अब इसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस का समझ नहीं आता। आई मीन व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी शुड कवर और व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी शुड बी रियली फोकस्ड ऑन। तो अभी आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आप अपने नोट्स निकाल के रखिए, पेन एंड पेपर सब निकाल के रखिए और वहां पर आप लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एंड उनको आपको स्पेसिफिकली पढ़ के जाना है अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स एंड दैट शुड कवर द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडियंस का, भारतीयों का क्या अचीवमेंट रहा है, भारतीयों की अचीवमेंट जितनी भी है वो भी आपको पढ़नी है। फिर टेक्नोलॉजी का इंडिजनाइजेशन, मीनिंग इंडिजनाइजेशन क्या होता है, जो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटली इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज जो इंडियन टेक्नोलॉजीज हैं या अडॉप्ट की जा रही है वो सारी आपको इसमें कवर करनी है। नई टेक्नोलॉजीज कैसे डेवलप की जा रही है वो आपको कवर करनी है। और फाइनली अगर मैं आपको टॉपिक्स दूं कि टॉपिक्स में आपको क्या क्या कवर करना है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, तो मेजर टॉपिक्स है यहाँ पर IT दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड फाइनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो आपको डेफिनेटली कवर करें। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ सब टॉपिक्स दिए, राइट। अब इसमें भी मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, इसमें मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो जैसे हम पहला टॉपिक देखते हैं, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। आई जस्ट टेक अ ब्लैंक पेज, प्लीज वेट। जैसे पहला मैंने टॉपिक लिया डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना है। तो पहला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर कैसा है, ठीक है, क्या रोल है, एप्लीकेशन है, ये सब, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज हैं इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज, देन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फिर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है ICAR, DRDO, ISRO, DBT, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है एंड फाइनली इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं उसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स आते हैं जो आपको कवर करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस की। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो उसमें आपको क्या क्या कवर करना है,
एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है. इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है. ठीक है, तो जैसे आप नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस की. स्पेस के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है, वही जो डिपार्टमेंट है स्पेस के, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो. ठीक है, इसरो और उसके सेंटर्स, देन लॉन्च व्हीकल्स, आप बार बार पढ़ते हैं, लॉन्च व्हीकल्स. ठीक है, उनके टाइप्स, सैटेलाइट्स, उनके टाइप्स, देन प्रोपल्शन सिस्टम्स आप पढ़ेंगे रॉकेट में, एंड ऑर्बिट्स, देन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी, एंड जितने भी प्रोग्राम्स है या किसी टाइप के कोलेबोरेशन है जो किए जा रहे हैं वो सारे कवर किए जाएंगे स्पेस के अंदर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वुड बी आईसीटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी. इसको लिखते रहिए, डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. नेक्स्ट इज आईसीटी. आईसीटी के अंदर आप क्या क्या, कम्युनिकेशन है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड डिवाइसेस करेंगे. पहले क्या क्या कवर करेंगे, फर्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल, डोंट वरी ये सब कवर होगा. एनालॉग एंड डिजिटल नेटवर्क, देन नेविगेशन, एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन, ये सारी चीजें कवर होंगी आईसीटी के अंदर. ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या कवर करना है, कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, इंटरनेट, कंप्यूटर की बात हो रही है तो इंटरनेट को कैसे छोड़ सकते हैं, इंटरनेट. देन इंटरनेट के जो बेसिक्स होते हैं जैसे वाईफाई हो गया या एचटीटीपी है या वर्चुअल रियलिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट. देन साइबर क्राइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम्स, और उनसे रिलेटेड लॉज. देन जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, राइट, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी. फिर हम देखते हैं अगर डिफेंस वाले सेक्टर की, डिफेंस में आप क्या क्या कवर करोगे, तो डिफेंस में ऑब्वियसली बात है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एजेंसी, डीआरडीओ कवर की जाएगी. डिफेंस वे फर्स्ट डीआरडीओ, देन इंडिया में जो मिसाइल्स कि डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है, कितनी हुई है, वो सब आप कवर करेंगे. देन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. मिसाइल्स में आप टाइप ऑफ मिसाइल्स भी कवर करेंगे. देन सबमरीन्स और केमिकल वेपन्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स. ठीक है, इनसे रिलेटेड जो रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑल दीज थिंग्स यू विल कवर इन डिफेंस. नेक्स्ट कम्स बायोटेक्नोलॉजी. Next comes biotechnology. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या क्या कवर करेंगे, ऑब्वियसली बात है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन. तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में, वो सब आप कवर करेंगे, स्पेशली बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल, और इनसे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स है. देन यहां पर आप पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू विल टॉक अबाउट जीन्स, क्लोनिंग, देन
second. Cloning, then stem cells, human genome project, राइट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स दिए गए हैं वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी. नेक्स्ट व्हाट एल्स, बायोटेक्नोलॉजी में देयर इज वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा? इसके अलावा बताइए, इसके अलावा और कुछ आता है आपके दिमाग में? लेट्स सी क्या आंसर करते हैं बच्चे. इसके अलावा कुछ और आता है आपके दिमाग में? और भी कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताइए क्या? आई टेल यू, दैट इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. आईवीएफ है तो साथ में सरोगेसी का भी इशू उठता ही, ठीक है. देन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर एटसेट्रा. एंड फाइनली इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है आपको? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट कॉपीराइट, ऑफ कोर्स कॉपीराइट की बात करेंगे. कॉपीराइट से रिलेटेड और क्या है? पेटेंट, आप देखते हैं पेटेंट लिया जाता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, देन इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की क्या इंपॉर्टेंस है, आईपीआर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देन इंडिया में क्या इसकी सिचुएशन है. फिफ्थ, आपने जीआई टैग के बारे में पढ़ा होगा, वो भी इसमें कवर किया जाएगा. और फाइनली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वर्ल्ड आईपीआर, आईपी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर इन दीज सेशंस. एंड व्हाट इज लेफ्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पढ़ा था, राइट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप क्या पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका डे टू डे में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. देन अलग अलग फील्ड में जैसे डिफेंस के फील्ड में उसका कैसे क्या क्या एप्लीकेशन है, या हेल्थ में उसका क्या एप्लीकेशन है, रोबोटिक्स में क्या एप्लीकेशन है, या हम स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या चैलेंजेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, कहाँ पर स्टैंड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आप आईआर में कवर करेंगे, एआई में, सॉरी एआई में कवर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. नेक्स्ट इज रोबोटिक्स, नेक्स्ट इज रोबोटिक्स. आई होप यू आर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, या एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं रोबोटिक्स. तो रोबोटिक्स में आप क्या क्या कवर करोगे? इंडिया में रोबोटिक्स का क्या सिस्टम है या क्या हाल है, देन रोबोट्स, रोबोट्स की बात करेंगे हम. रोबोटिक्स, रोबोट्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन क्या है, राइट, एंड चैलेंजेस क्या है. क्लियर. ऐसे ही जब हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, तो उसमें भी भाई बेसिक्स क्या होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, अलग अलग फील्ड्स में, डिफेंस में, हेल्थ में एक्सेट्रा, अलग अलग फील्ड में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, नैनो रोड्स क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का इंडिया में क्या यूसेज है, राइट. तो ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर इन नैनो टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट कम्स एनर्जी. एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी में हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली, सो दैट वी डोंट रन आउट ऑन एनर्जी, राइट. तो जब हम एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, देन वी नीड टू टॉक अबाउट मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. देन हम देखेंगे रिन्यूएबल कौन से होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, टाइप्स क्या है. देन वी विल टॉक अबाउट पावर प्लांट्स, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, पावर प्लांट्स. देन वी विल टॉक अबाउट कार्बन फुटप्रिंट, ओके, एंड फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी.
विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी और किस तरीके से इसकी डिप्लोमेसी चलती है वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड. देन देयर इज वन मोर पोर्शन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दैट इज एस्ट्रोनॉमी. नाउ सी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी आर डिफरेंट. आप मुझे बताएंगे कैसे? लास्ट पार्ट इज एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करेंगे? यूनिवर्स. यूनिवर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उनका उसका ओरिजिन, एक्सपेंशन. वी विल टॉक अबाउट डार्क मैटर. देन वी विल टॉक अबाउट स्टार्स, कि स्टार्स का ओरिजिन कैसे हुआ था. सुपरनोवा क्या है? ड्वार्फ, आपने सुना होगा ड्वार्फ स्टार, ड्वार्फ प्लैनेट. सो ड्वार्फ स्टार वी विल कवर. देन अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ऑल दीज थिंग्स विल कवर इन एस्ट्रोनॉमी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पहले तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो क्या ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था क्या इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी या उससे रिमोटली रिलेटेड पहले कुछ था इंडिया में या नहीं, ये आपको बताना है. देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जहां हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट एस्ट्रोनॉमी भी है ना. इसका एक पार्ट एस्ट्रोनॉमी भी है और हमें पता है कि एंशियंट टाइम में एस्ट्रोनॉमी में ये जो तारों का पूरा ज्ञान है इन सब में एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी एंशियंट इंडिया की जब हम बात करते हैं, राइट. जैसे कि हमारे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो मतलब आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताते हैं और इसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो किसने सॉल्व की थी? आर्यभट्ट ने. एस्ट्रोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स किसने सॉल्व की थी? आर्यभट्ट ने. आर्यभट्ट की किताब थी आर्यभट्टीय. इसके अंदर उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशंस और कैसे प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जो स्टार्स प्लैनेट्स इनकी स्टडी होती है, ठीक है. तो आर्यभट्टिया के अंदर आर्यभट्ट ने ये बताया है कि किस तरीके से स्टार्स को आप स्टडी करेंगे, एस्ट्रोनॉमी को कैसे स्टडी करते हैं, राइट. उसके अलावा प्लैनेट्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए और सन और मून का जो मूवमेंट है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है. और नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट उन्होंने इक्लिप्स को भी डिफाइन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जब शैडो पड़ती है, राइट, जब अर्थ की शैडो पड़ रही है मून पे तो फिर इक्लिप्स होता है, या फिर जब मून की शैडो पड़ रही है अर्थ पे तो भी इक्लिप्स होता है. तो ये सारी चीजें डिफाइन की गई है आर्यभट्टिया के अंदर, क्लियर. तो अगर आपसे बोला जाए कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सिर्फ अभी शुरू हुआ है? नहीं, एंशियंट इंडिया में था. जैसे एस्ट्रोनॉमी का सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, क्या सिर्फ यही है और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है क्या? और देखिए जैसे हम मैथमेटिक्स की फील्ड की अगर बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के फील्ड में भी आप देखेंगे मेजरमेंट और ज्योमेट्री से रिलेटेड नॉलेज लोगों के पास थी. और इनफैक्ट थर्ड सेंचुरी एडी के बाद जो मैथमेटिक्स है उसको अलग कर दिया गया और उसको अलग से स्टडी किया जाने लगा, क्लियर. अच्छा यही है क्या? और कुछ, और कुछ जो आपके दिमाग में, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज योर हिंट. चलिए तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बता सकती हूँ, बता देती हूँ जो कि आपको आंसर राइटिंग में यूज करनी है, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं आर्यभट्ट का नाम, आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टीय, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एस्ट्रोनॉमी को डिफाइन किया है, ठीक है. प्लैनेट्स की पोजीशन बताई है, सन मून की मूवमेंट बताई है, एक्लिप्सिस के बारे में बताया है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वुड बी अपस्तंभ. सेकेंड सेंचुरी बीसी में इन्होंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था, प्रैक्टिकल
ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था, इसके अंदर आपको एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, इन सब के बारे में मिल जाएगा। देन मैथमेटिक्स के फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था वो क्या था? जीरो, राइट, यूज ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, जीरो, ये सारे क्या थे? सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाद में चलकर मैथमेटिक्स एक अलग फील्ड बन गया और उसको अलग से पढ़ा जाने लगा। देन ब्रह्मगुप्त की कौन सी किताब है? ब्रह्मास्तुता, ब्रह्मास्तुता, ब्रह्मास्पुता सिद्धांत, इट्स ब्रह्मास्पुता सिद्धांत, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ये पहली किताब है ऐसी जिसके अंदर जीरो को एज अ नंबर बताया गया था, मेंशन किया गया था। इसकी ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मास्पुता सिद्धांत, इसके अंदर जीरो को एज अ नंबर बताया गया था पहली बार, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे कि लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज। जैसे कि आप देखेंगे कितने हो गए थे हमारे, फोर हो गए थे, यस यस फाइव। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने और क्या डिस्कवर किया था? एलजेब्रा। देन ट्रायंगल के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। सूर्य सिद्धांत के बारे में आपने सुना होगा, सूर्य सिद्धांत काफी फेमस बुक है ये, सूर्य सिद्धांत, ठीक है। ये भी किसके बारे में है? सूर्य सिद्धांत आप मुझे बताएंगे किसके बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखना है आप। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो इन द गूगल शीट। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है जिसकी आंसर नहीं हो पाती है तो आप गूगल शीट में लिख सकते हैं। तो क्या यही थी चीजें? नहीं, मेडिकेशन में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, चरक का नाम आपने सुना होगा, मेडिसिन में वी वर सो डेवलप्ड। मैं बस आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, जैसे कि आप देखेंगे एंशियंट टाइम्स के अंदर मेडिसिन फील्ड काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी, डिजीजेस, उनके क्योर, उनकी मेडिसिन, हर चीज किस में मेंशन थी? अथर्ववेद। वन सेकेंड, अथर्ववेद वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद के अंदर आप देखेंगे आपको डिजीज, उसका क्योर और साथ ही साथ मेडिसिन, ठीक है, हर चीज इसमें मेंशन थी अथर्ववेद के अंदर। ये तो बात हुई जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हमने तंत्र मंत्र की बात की है, मेडिसिन की बात की है। अगर हम बात करते हैं रैशनल साइंस की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड 600 बीसी के टाइम से, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे आप देखेंगे मेडिसिन और लर्निंग के लिए तक्षशिला बहुत ज्यादा फेमस था, राइट, क्या था फेमस? तक्षशिला, वाराणसी, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स की तरह उभर के आए मेडिसिन और लर्निंग के लिए। उसके अलावा दो किताबें थी, कौन से दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे? देयर वर टू इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, फर्स्ट चरक संहिता, मैंने आपको बताया था मेडिसिन के फील्ड में चरक का नाम तो आता ही आता है, तो वन इज चरक संहिता जो चरक ने लिखी थी, और दूसरी सुश्रुत संहिता। किसने लिखी थी सुश्रुत संहिता? सुश्रुत ने, मेडिसिन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। इनको बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता था मेडिसिन का, और इसको पूरे चाइना में सर्कुलेट किया गया था, सेंट्रल एशिया में सर्कुलेट किया गया था, और इसका अलग अलग लैंग्वेज में आप देखेंगे तो इसका ट्रांसलेशन हुआ था इन दोनों ही किताबों। नॉट ओनली दैट, प्लांट्स और हर्ब्स, हर्ब्स और प्लांट्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जाता था मेडिसिन के लिए, जैसा कि मेंशन है चरक संहिता में। सर्जरी अलग से फील्ड बन के सामने आई, सर्जरी का मेंशन है इसके अंदर। फिर आप देखेंगे सुश्रुता, सुश्रुत क्या था, उनको सर्जरी के लिए, सर्जरी का आप कह सकते हैं एक तरीके से उनको इन्वेंटर माना गया है, राइट। और इनमें ये सुश्रुत संहिता में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी मेडिसिन की,
सर्जरी की, एंड देन यू विल सी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात है, अराउंड 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनका मेंशन किया गया है सर्जरी के अंदर, राइट उसके अंदर अलग अलग प्लास्टिक सर्जरी तक वहां पे मेंशन किया। अगर बोलेंगे ना कि सिर्फ नॉर्मल जिंदा रखने के लिए नहीं, प्लास्टिक सर्जरी तक तब तक डेवलप हो गई थी एंड ये मेंशन थी, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी भी तब क्या थी, मेंशन थी। ओके इज इट ऑल? नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे कि मेटलर्जी, मेटलर्जी पूरी तरीके से डेवलप हो गया था एंशियंट इंडिया में, राइट हमने ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स देखे हैं, हमने पॉटरीज देखी है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स देखे हैं, ये इसी का एग्जांपल है, मेटलर्जी का एग्जांपल है। वैदिक लोगों को पता था कि जो ग्रेन्स हैं, फूड्स हैं, उनको फर्मेंट किया जा सकता है और डाई करने के प्रोसेस का पता था उनको। देन वी विल सी जो आयरन जैसे मेटल है, आयरन हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अलॉय, जैसे दो मेटल्स को जोड़ के बनता है ना उसको अलॉय कहते हैं, अलॉय, उन सब का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार का, उसके अंदर अलॉय का ही इस्तेमाल हुआ है, हाई क्वालिटी अलॉय का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एल्कलीज, एसिड्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था मेडिसिन के अंदर। डाइंग पॉपुलर हो गई थी, डाइंग इन द सेंस जो डाई करते, कपड़े पे डाई करते हैं ना, वो डाई पॉपुलर हो गया था। देन अजंता के मुरल्स, एको वो आप देखेंगे वो किसके लिए फेमस है, उनकी क्वालिटी, कलर, मतलब कलर की क्वालिटी के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। ज्योग्राफी लोगों का मेन इंटरेस्ट की तरह सामने आ रहा था, ज्योग्राफी में लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। देन आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के अलावा, जैसे अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहां पर कितने प्रॉपरली डिफाइंड तरीके से वो पूरा सिटी स्ट्रक्चर बनाया गया था, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेविगेशन भी आप मतलब आप अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था, राइट जैसे हमने पढ़ा था लोथल, लोथल क्या था, दैट वॉज अ पोर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो ये सारी चीजें देख के हमें समझ में आता है, इनफैक्ट कुरान्स में काफी कुछ मेंशन है, ये सारी चीजें हमें देख के समझ में आता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो अभी कुछ नया नहीं है, ये एंशियंट इंडिया से चलता आ रहा है। क्लियर? तो ये तो बात हुई एंशियंट इंडिया की। अब हम बात करते हैं मिडिवल इंडिया की। मिडिवल इंडिया में अगर हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो क्या कह सकते हैं आप बताइए? देखिए मिडिवल इंडिया में भी अगर हम देखते हैं तो आपको दिखेगा कि मिडिवल इंडिया के अंदर 11 टू 18 सेंचुरी तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जा रहा था। कैसे एडवांस किया जा रहा था? देखिए जो यहाँ पर क्या था, जो पहले के ट्रेडिशन थे, जो जो सब्जेक्ट उठाए गए थे वो तो पढ़ाए ही जा रहे थे। अब यहाँ पर इस्लामिक और यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखना शुरू हो गया, इस्लामिक और यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखना शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट जैसे कि अरिथमेटिक हो गया, देन मेंसुरेशन, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबैड, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दिए गए जो वहां पे प्राइमरी एजुकेशन था। प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ये सारे कल्चर्स इंक्लूड कर दिए गए। देन बायोलॉजी के फील्ड में अगर हम देखें तो हम्सदेव ने आप देखेंगे काफी ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी बायोलॉजी के फील्ड में। एक्चुअली बायोलॉजी के फील्ड में उन्होंने एक बहुत जनरल आइडिया दिया था, बहुत स्पेसिफिक, बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, राइट लेकिन उन्होंने बहुत एक जनरल आइडिया दिया था बर्ड्स हंटिंग का, या आप देखेंगे बीस का। देन मिडिवल टाइम पे आप देखेंगे कि जैसे वॉरियर्स हैं या हंटर्स हैं वो एनिमल्स को रखते थे, कैसे एनिमल्स को, हॉर्सेस को, डॉग्स को, चीता को, फाल्कन को, इस तरीके के एनिमल्स रखा जाता था, मतलब डोमेस्टिकेटेड भी और वाइल्ड है, दोनों तरीके के एनिमल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। देन आप देखेंगे मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है यहाँ पर। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल द टाइम, ठीक है, उस टाइम के स्पेशली मिडिवल इंडिया के ब्रह्मगुप्त ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे। आई जस्ट राइट इट, ब्रह्मगुप्त कौन थे? मैथमेटिशियन, इन्होंने नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, डेट्स की तरह। इन्होंने क्या बताया, जो नेगेटिव नंबर्स हैं
नेगेटिव नंबर्स हैं वो क्या है, डेट्स हैं, उधारी की तरह, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो क्या है, फॉर्च्यून्स हैं, राइट। अब इन्होंने क्या बताया, नेगेटिव नंबर डेट्स हैं और पॉजिटिव नंबर फॉर्च्यून्स, तो इससे इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि उस टाइम पे जो भारतीय थे या इंडियंस थे उनको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल यूसेज भी पता था, ठीक है, प्रैक्टिकल यूसेज भी वो करते थे। देन मैथमेटिक्स में कुछ और वर्क्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखेंगे गणित सार, किसे लिखी थी, श्रीधर, गणित सार, और दूसरा लीलावती बाय भास्कर। तो गणित सार में क्या था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर्स, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें थी। जबकि हम लीलावती के अंदर देखें तो अब देखिए लीलावती का क्या था ना, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन थे, ठीक है, और एक बुक थी गणेश देवजी, ठीक है, गणेश देवजी जिसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो इसके ऊपर कमेंट्री थी, अगर गलती से पूछ रहे तो बता रही हूँ, अदरवाइज गणित सार के अंदर क्या था, सारे मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, ये सब था, लीलावती के अंदर इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। देन यही नहीं, केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको, रिफॉर्मेशन देखने को मिला है, राइटिंग पेपर के इंट्रोडक्शन से पहले, मतलब हमारे पास लिखने के लिए पेपर तो नहीं था, लिखने के लिए पेपर के इंट्रोडक्शन से पहले जो एंशियंट लिटरेचर था उसको किस पे सेव करके रखा जाता था, प्रिजर्व करके रखा जाता था, तो पाम लीव्स के ऊपर प्रिजर्व करके रखा जाता था। साउथ इंडिया के अंदर जो भोज पत्र होता है, बर्च, बर्च बार्क, उसके ऊपर कश्मीर के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता था, और बाकी अलग अलग रीजन में इसी तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता था। देन पेपर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ मिडिवल पीरियड के टाइम पे, कुछ ऐसे सेंटर्स जैसे कि कश्मीर हो गया, औरंगाबाद, मैसूर, ये काफी फेमस थे पेपर प्रोडक्शन के लिए। टीपू सुल्तान के टाइम पे आप देखेंगे तो मैसूर में एक पेपर प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री थी, ठीक है, मैसूर में क्या थी, पेपर प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री थी जो कि एक स्पेशल टाइप का पेपर प्रोड्यूस करती थी जिसका सर्फेस गोल्ड का होता था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी तो उसके अंदर ये मेंशन है, और इसका पूरा प्रोसेस भी मेंशन है कि किस तरीके से उस पेपर को प्रोड्यूस किया जाता था, ये भी मेंशन है, क्लियर। देन इसके अलावा आप देखेंगे मिडिवल पीरियड में काफी सारे वॉर्स होते थे, राइट, बैटल्स होते थे, तो मुगल्स के टाइम पे आप देखेंगे कि उनको गन पाउडर के प्रोडक्शन की भी नॉलेज थी, गन पाउडर प्रोडक्शन की नॉलेज थी, राइट, तो मुगल्स को गन पाउडर प्रोडक्शन की नॉलेज थी और उनको पता था कि किस तरीके से वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्लोसिव कॉम्पोजिशन कैसे बनाया जा सकता है, उनको पता था कि वो सल्फर का इस्तेमाल कैसे करेंगे और चारकोल का इस्तेमाल किस तरीके से अलग अलग रेशो में करेंगे ताकि उनके पास अलग अलग टाइप की गन प्रोड्यूस की जा सके, राइट। तो ये भी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। देन मेडिसिन के फील्ड में अभी तक हमने देखा मेडिसिन के फील्ड में काफी कुछ डेवलप हो गया था एंशियंट इंडिया में, बट मेडिसिन के फील्ड में यहाँ पर क्या किया जाने लगा, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट निकालने की कोशिश की गई डिफरेंट डिजीजेस के लिए, जैसे पल्स और यूरिन एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करना शुरू कर दिया गया डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए। जैसे अभी पता ना यूरिन एग्जामिनेशन होता है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, राइट, वैसे यूरिन एग्जामिनेशन होता है, तो उस टाइम पे यूरिन एग्जामिनेशन की शुरुआत करने शुरू कर दी गई, आपका पल्स चेक करना शुरू कर दिया गया ये देखने के लिए कि कौन सी किस तरीके की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे डायग्नोज किया जा सकता है इसके लिए। देन देयर इज वन मोर बुक, वन सेकेंड, सो देयर इज वन मोर बुक, सरंगधारा संहिता। तो सरंगधारा संहिता के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली ओपियम की बात की कि ओपियम का इस्तेमाल कैसे मेडिसिन की तरह यूज किया जा सकता है, ओपियम का मेडिसिन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वो किया है। देन देयर इज अनदर बुक, रथ चिकित्सा सिस्टम। देखिए रथ चिकित्सा सिस्टम के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के मिनरल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिनरल
मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन देर आर सर्टेन अदर बुक्स एज वेल, बहुत सारा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपके आंसर राइटिंग में भी आता है तो आप दो तीन अगर लिख देते हैं तो इतना काफी होगा। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, तो वो ऑब्वियसली डेवलप की गई थी। आपने देखा होगा पेजेंट्स का जो हाल था वो बहुत बुरा हो गया था मिडिवल इंडिया के अंदर, वहां पे एग्रीकल्चर ही मेनली प्रैक्टिस की जाती थी। तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर को भी डेवलप करने की कोशिश की गई थी, बट वो ऑलमोस्ट सेम था एंशियंट इंडिया की तरह। कुछ चेंजेस लिए गए थे, जैसे कि नए नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, नए ट्रीज लगाए गए थे, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स शुरू कर दिया गया था। देन आप देखेंगे जो मेन क्रॉप्स थे यहाँ पे वो कौन कौन से थे, वीट, राइस, बार्ली, मिलेट, ये सारे मेन क्रॉप्स हुआ करते थे यहाँ पे। तो ये तो बात थी मिडिवल इंडिया की। अब हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स की। मॉडर्न टाइम्स में क्या क्या आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा या एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, इसकी हम बात करें। देखिए अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, हमें तो पता ही है किस किस के फील्ड में, न्यूक्लियर, स्पेस साइंस, ये सब काफी डेवलप हुआ है, न्यूक्लियर, स्पेस साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन डिफेंस, राइट, इन सब में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है मॉडर्न टाइम्स के अंदर। जैसे यहाँ पर देखो, जो मेजर एरियाज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला न्यूक्लियर है, स्पेस साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफेंस है, देन एटॉमिक एनर्जी, देन टेलीकॉम, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया, ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी, देन बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, जो मेनली हमारी प्राइमरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब काफी हद तक डेवलप की गई। अब इसमें ना कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब मैं इनकी बात आपको मैं क्यों बार बार बता रही हूँ, जैसे मैंने न्यूक्लियर बार बार बताया आपको, स्पेस साइंस बार बार बताया, इसलिए क्योंकि इनको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो एटलीस्ट आपको इनका नाम रट जाना चाहिए। अब कुछ एजेंसीज हैं जो बहुत ज्यादा, जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस फील्ड में, उन एजेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बट बिफोर दैट थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे एटॉमिक एनर्जी है, एंड वी वोंट टेक इट बहुत ज्यादा इन डेप्थ, एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि वो हमारी आगे आने वाली क्लासेस में होगा। तो एटॉमिक एनर्जी की जहां तक बात है, तो इंडिया का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड है इसमें, अच्छा पोजिशन है, एंड हम सेल्फ रिलायंट। अगर हम एटॉमिक एनर्जी की, जैसे अगर एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, राइट, तो आप देखोगे लास्ट 63 ईयर्स में, जब से एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इनका एस्टैब्लिश हुआ है, इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस, काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हासिल की है। एंड अब कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है या कौन कौन सी सेंटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है BARC, BARC इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, इन ट्रॉम्बे। देन इसकी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट सिंगल साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट है, राइट, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लार्जेस्ट सिंगल साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट है। देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर पावर एनर्जीज, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, तो आप देखेंगे ये है तारापुर महाराष्ट्र, देन कोटा राजस्थान, देन कड़पक्कम तमिलनाडु, देन देर इज ककरपुर, ककरपुर गुजरात, एंड नरोरा यूपी। अब मैंने आपको ये नाम क्यों बताए हैं, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, आपसे पूछा जा सकता है कि पावर, न्यूक्लियर पावर, इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन में से कौन कौन सी जगह मौजूद है, तो आपको पता होना चाहिए ये कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नाम, एंड दैट शुड डू इट। चलिए अब सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियर एनर्जी एस्टैब्लिश करने का इंडिया में क्या पर्पज है,
न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोग्राम्स है इंडिया में, उसका क्या एम है, जरूरत क्या है न्यूक्लियर एनर्जी की, एम क्या है? देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी का भी जो एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है दैट इज नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, उसका क्या है, यूजेस के लिए है। इसका किस यूज के लिए, कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल कर सके, जैसे कि पावर जनरेशन हो गया, एग्रीकल्चर में इसका एप्लीकेशन किया जा सके, मेडिसिन में, रिसर्च में, और इस तरीके के एरियाज में पीसफुल पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए इसका प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्पेस रिसर्च। जब हम बात करते हैं स्पेस रिसर्च की, सेकेंड नेक्स्ट आता है स्पेस रिसर्च, तो इंडिया का स्पेस रिसर्च क्या गोल है इसका, वही देखिए, किसी भी फील्ड में इंडिया का मेन गोल होता है खुद को सेल्फ रिलायंट करना, तो स्पेस रिसर्च में भी स्पेस टेक्नोलॉजी के यूज में इसको सेल्फ रिलायंट करना, खुद को सेल्फ रिलायंट करना ही इंडिया का मेन मोटो है। ओवर द इयर्स बहुत सारे अचीवमेंट्स हमारे हुए भी हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया था, जस्ट राइट इट, फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट, क्या नाम था, आर्यभट्ट। कब किया था, 1975 में। उसके बाद क्या किया, भास्कर वन, भास्कर टू, राइट, कहां से, सोवियत यूनियन से, देन रोहिणी सैटेलाइट, इसको किस पे लॉन्च किया गया था, इंडिया का अपना लॉन्च व्हीकल था क्या, SLV-3, उस पे लॉन्च किया गया था, एंड एप्पल सैटेलाइट, इसको किस पे लॉन्च किया गया, यूरोपियन रॉकेट पे, यूरोपियन एरिन रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो स्पेस रिसर्च के फील्ड में अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आप पेपर में लिख के आ सकते हैं आंसर राइटिंग में, अदरवाइज आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, देन यू हैव टू चूज वन करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आते हैं अपने इस पॉइंट पे, जो मैंने आपको कहा था कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बताइए इसके बारे में क्या जानते हैं आप, CSIR के बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए, CSIR फुल फॉर्म सबको पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब ये है क्या, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1942 में, सितंबर 1942 में, कहां पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में, कहां पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। देन इसको फंड कौन करता है, फंडिंग कहां से मिलती है, इट इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जब इसके ऑपरेट करने की बात बारी आती है तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से ऑपरेट होती है, तो ऑटोनोमस बॉडी है। और ऑटोनोमस बॉडी अंडर विच एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। क्लियर? अब इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, CSIR के अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती है, जैसे कि रेडियो, स्पेस फिजिक्स, ओशनोग्राफी, जियोफिजिक्स, राइट, देन नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग, एरोनॉटिक्स, सब कुछ कवर होता है CSIR के अंदर। क्लियर? अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ गया, स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रेसिडेंट ये क्या होंगे, इसके CSIR के प्रेसिडेंट कौन होंगे, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं वो, देन वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। देन गवर्निंग बॉडी में कौन आता है, गवर्निंग बॉडी में कौन आता है, गवर्निंग बॉडी में देयर विल बी डायरेक्टर जनरल,
वो हेड है गवर्निंग बॉडी के, एंड एक दूसरे एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है। देन उसके अलावा और भी कुछ मेंबर्स हैं जो 3 साल के लिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली 3 साल के लिए इसके भाग बनते हैं। क्लियर? देन सीएसआईआर की एक एडवाइजरी बॉडी भी है। अब इस एडवाइजरी बॉडी में क्या क्या आता है, तो सीएसआईआर की एडवाइजरी बॉडी में 3 मेंबर बॉडी है, जिसके अंदर आपको दिखेंगे अलग अलग फील्ड से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग फील्ड से इसके अंदर आपको मेंबर्स दिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है, इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव है कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल या अप्लाइड रिसर्च जो भी है उसको डेवलप करना, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी चीजें वो सब इसके अंदर आती है। इसके अंदर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो इंडिया है उसका प्रमोशन, गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन सब कुछ आएगा, डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन सीएसआईआर। क्लियर? इट इज काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ओके, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या क्या कवर होगा, इसको टास्क दिया गया था कि जो भी गवर्नमेंट और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जिस तरीके का भी कोऑर्डिनेशन है उसको कैटलाइज करने का, उसको बढ़ावा देने का और उसको कोऑर्डिनेट करने का। ठीक है, उसका इसको काम दिया गया था। देन ये सीएपीआरटी क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है और इसको स्पेशली काम दिया गया है किस चीज का, रूरल डेवलपमेंट का। क्लियर? इसको स्पेशली रूरल डेवलपमेंट का काम दिया गया है। देन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्लानिंग या किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं रूरल एरियाज में, उसको सपोर्ट करती है ये, उसको प्रमोट करती है सीएपीआरटी। फाइनली देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑब्वियसली मेन काम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और सुपरवाइज करना इंडिया के अंदर। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें, बिकॉज वेन यू रेट द लेक्चर वी गेट टू नो दैट वेदर यू लाइक द लेक्चर नॉट एंड वेयर वी कैन इम्प्रूव इट। आपको डिस्क्रिप्शन में ही गूगल फॉर्म मिल जाएगा रेट करने का। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप गूगल फॉर्म पे लिख सकते हैं एंड आई विल टेल यू ऑल द आंसर्स एंड डाउट एंड सॉल्व ऑल योर डाउट्स ऑन संडे व्हेन वी हैव आवर डाउट सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे।